हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे और आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे। दोस्तों, अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था और एक न्यूज़ देख के आप हैरान होंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इंसान इस हद तक भी गिर सकता है, इंसान के अंदर से इंसानियत इस हद तक भी ख़त्म हो सकती है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये खबर क्या है। अभी थोड़े दिनों पहले खबर आई थी जहाँ पे दिल्ली में एक बिटिया के साथ किसी दरिंदे ने चाकू से कूदकर उस बिटिया की हत्या कर दी थी। उसके पहले खबर आई थी कि एक दूसरे दरिंदे ने एक बिटिया के को मर्डर करके उसके टुकड़े करके जंगल में इधर उधर फेंके थे। एक और खबर मुंबई से आ रही है, इस खबर को आप देखेंगे, मतलब किस हद तक इंसान गिर सकता है यार, इंसानियत किस हद तक मर सकती है किसी के अंदर, कैसे इनकी हिम्मत होती है, इनके हाथ नहीं कांपते हैं। इस खबर को आप पढ़ेंगे आप दंग रह जाएंगे। ये खबर देखिए, फिर उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा अंत में इस वीडियो के, सभी लड़कियों से एक अपनी बहन समझ के, अपने घर की बच्ची समझ के मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले इस खबर को देखिए, ये जो खबर है वो मैं पढ़ रहा हूँ NDTV के ऑफिशियल वेबसाइट से, ये खबर मैं पढ़ रहा हूँ। मुंबई का एक केस है दोस्तों, जहाँ पे मीरा रोड पे एक घटना हुई, तो मीरा रोड पे रहने वाले एक शख्स ने अपनी लिविंग पार्टनर की हत्या कर दी। वो एक कपल थे, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, तो लड़के ने उसकी हत्या कर दी और शरीर को कुकर में पकाकर और मिक्सर में पीसकर उसके शरीर को ठिकाने लगाने की कोशिश की। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब कोर्ट ने उसको 16 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सोचो दरिंदगी की हद, देखो कि एक इंसान हो के उस इंसान के साथ जिसके साथ वो लिव इन में था, एक वक्त होगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत की कस्में खाते थे, लेकिन इसकी दरिंदगी की हद देखो दोस्तों, इंसानियत मिटने की इंतहा देखो। इससे बड़ा एग्जाम्पल्स कोई हो नहीं सकता कि एक इंसान अगर अपनी इंसानियत खो दे तो किस हद तक गिर सकता है कि अपनी लिविंग पार्टनर की उसने मर्डर करी, फिर उसके टुकड़े करे, फिर उसको प्रेशर कुकर में, जैसा कि न्यूज़ पे दिखा रहा है, NDTV पे ये खबर छपी और तमाम मीडियास ने इसको कवर किया था कि उसने प्रेशर कुकर में उसको बॉयल किया। यहाँ पे लिख रहा है कि उसने मिक्सर में पीसने की कोशिश करी। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता इंसान, मुझे लगता है कि इससे घटियापन भी किसी इंसान का हो सकता है। दोस्तों 56 साल का व्यक्ति था और 32 साल की वो महिला थी जिसके साथ उसने ये घटना किया। 3 साल से दोनों एक साथ रहते थे और घर से दुर्गंध आने लगी तो सोसाइटी वालों ने कंप्लेन किया पुलिस को। जब पुलिस घर में आई तो इस वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके से आरोपी को हिरासत में लिया और आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़े टुकड़े कर दिए थे शव को। जानकारी सामने आ रही है कि इन टुकड़ों को काटकर मशीन से काटा गया था और 2 से 3 दिन पहले महिला की हत्या की गई थी। और इस खबर को अगर आप और पढ़ेंगे इसमें तो लिखा है कि शायद वो जो बिटिया थी, वो जो महिला थी, वो अनाथ थी, उनके माता पिता नहीं थे और वो इनके साथ लिव इन में रहती थी। तो ये हाल हो गई है इंसानियत की, इस हद तक इंसानियत गिर चुकी है कि लोगों के हाथ नहीं कांपते, लोगों का रूह नहीं कांपता। ये एग्जांपल है कि जब किसी का ज़मीर मर जाए, जब किसी के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो जाए, जब इंसान हैवान बन जाए तो कुछ इस तरीके की घटना होता है। देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आप अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो उस नाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी समाज के अंदर ना एक सबसे बड़ी गलत चीज़ ये है कि हम हर एक चीज़ को धर्म से जोड़ देते हैं। इसके पहले मैंने जो 2 घटनाओं की बात करी उसमें धर्म का एंगल, इसमें धर्म का एंगल। दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है ना, धर्म का मतलब क्या होता है, मैं आपसे पूछूं कि एक बकरे का मजहब क्या है, या फिर एक गाय का मजहब क्या है, या फिर एक मुर्गी का मजहब क्या है, या किसी भी पशु का, या किसी भी जानवर का है, किसी भी पक्षी का, किसी पेड़ का मजहब क्या है, आप मुझे बता सकते हैं। तो मजहब की बात तब आती है जब वो इंसान होता है। हम ये कह सकते हैं ना कि ये इंसान इस मजहब का है, ये इंसान इस मजहब का है। और इस तरह की जो घटनाएं करता है ना, जो खासतौर पे बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाएं करता है ना, वो सबसे पहले तो इंसान ही नहीं है,
वो उसको इंसान कहना ही इंसानियत के लिए एक शर्म की बात है, तो वो इंसान ही नहीं है, तो मजहब की दूर की बात है, तो उसे हम इंसान मान ही नहीं सकते। कैसे कोई इंसान किसी के साथ इतनी दरिंदगी से कोई कार्य कर सकता है? और केवल इसी घटना की बात नहीं, इसके पहले भी जो दो घटनाएं बताई मैंने उसको मैं भी उसको भी इसके साथ लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई एक विशेष धर्म का है या वहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम नहीं रखा किसी भी धर्म के व्यक्ति का नाम नहीं रखा। तो हमारी सबसे बड़ी गलती है ना कि हम चीज़ को हर एक चीज़ को धर्म का एंगल दे देते हैं कि ये इस धर्म का है और इस धर्म के लोग ही ऐसे होते हैं। देखो मैं जहाँ तक जानता हूँ धर्म को, मैं जहाँ तक जानता हूँ लोगों किसी भी धर्म की, खासतौर पर बेटियों के मामले में ना, कोई धर्म कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। एक धर्म बेटियों को सरस्वती का रूप, लक्ष्मी का रूप मानता है, बेटियों को पूजा करने की बात करता है, दुर्गा पूजा पर उनकी पूजा होती है। वहीं एक धर्म बेटियों को घर के रहमत मानता है, ये घर पहली बेटी होना सुन्नत मानता है, रहमत मानता है, घर को घर उन बेटियों के कदमों के नीचे जन्नत का जन्नत मानता है। तो इस तरीके की अवधारणा रखी गई है बेटियों को लेके। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि जो हैवान होते हैं ना, वो हैवान होते हैं, वो ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, उनके अंदर पहली बात तो इंसानियत ही नहीं है, तो वो धर्म कैसे उनके अंतर्गत आ सकता है? तो ये सारे उस कैटेगरी के लोग हैं दोस्तों। मैं हमेशा एक समाज से चाहता हूँ कि वो कभी इस चीज़ों में धर्म ना देखे, क्योंकि कभी कोई धर्म ऐसा नहीं कहेगा कि तुम किसी की भी बेटी के साथ इतनी निर्दयता से, इतनी घटियापन से तुम अपनी अपनी इंसानियत को मिटा दो दोस्त। और इस वीडियो के अंत में मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है, मैं अपनी बहन समझ के मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, आपने अक्सर पिक्चरों में देखा होगा कि कुछ गुंडे आते हैं, लड़की को परेशान करते हैं, फिर एक हीरो की एंट्री होती है, वो इकलौता हीरो 4-5 गुंडों को मारता है और वो हीरो बन जाता है। वास्तव में इन पिक्चरों ने ना आपके दिमाग पे ये चीज़ें भरती हैं कि आप कमज़ोर हो। देखो जब आत्मसम्मान पे बात आए ना, जब आत्मरक्षा पे बात आए ना, तो लड़ो इन सेंस अपनी सुरक्षा करो। कोई इस दुनिया में आपके लिए कोई हीरो बनने नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई हीरो बनता ना तो वो दिल्ली वाली बिटिया के साथ ऐसा नहीं होता। तो जब आपके ऊपर आत्मसम्मान की बात आए ना, जब आत्मरक्षा की बात आए ना, तो हटो नहीं, हाथ नहीं जोड़ो इस ज़माने में ना, हाथ नहीं जोड़ो कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। नहीं यार, वो उनको अगर भगवान का या फिर खुदा का, ईश्वर का इतना डर होता तो वो ऐसे दरिंदे नहीं बनते वो। इसलिए ये आज के ज़माने में ज़रूरी है कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों से कहे, अपनी बिटिया से कहे कि उस हीरो का इंतज़ार नहीं करो कि कोई हीरो बनने के आएगा और तुम्हारी रक्षा करेगा, नहीं। और कभी किसी की गलतियों को टॉलरेट भी ना करो कि चलो आज उसने गलती करी, माफ़ करते हैं कल। जब देखो वो इंसान जब अपनी इंसानियत खो देना, फिर तो सोचना ही नहीं उसका साथ, उस पर दया की भावना कुछ नहीं, ख़त्म, वहाँ से हटो, रिलेशन ख़त्म करो, चाहे कुछ भी हो। और सबसे मैं खास रिक्वेस्ट करूँगा यार कि कोई भी घटना हो ना, कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, चाहे एक इंसान, हर एक इंसान गलती करता है, अगर आपने कभी कोई गलती करी, उस गलती का इतना बड़ा पश्चाताप नहीं कि कोई आपके साथ ऐसा अंजाम करे, अपने माँ बाप से बात करो, क्लियरली बात करो, सिंपली सीधे बात करो, और जो वो समझाएं, जो वो बताएं ना, वैसा करो, वैसा चलो। क्योंकि आपकी रक्षा का ना सबसे अगर कोई ज़्यादा परवाह करता है तो आपके माँ बाप करते हैं, आपके भाई बहन करते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं करता। अगर उसके अलावा किसी और पे आप भरोसा करते हैं तो आप धोखा खाएंगे। इसीलिए ख़ासतौर पर लड़कियों को आज ये समझाना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है कि ये मीठी बातें, ये प्यार मोहब्बत, ये सब फालतू है यार, ये सब का सब फालतू है, सिवाय आपके अपने माँ बाप के, भाई बहन के ना, मत यकीन करो। इनमें ही खुशी तलाशो, इनके साथ ही उठो बैठो, इनसे ही बात करो, मत जाओ प्लीज़। और ख़ास तौर पे इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़ो, क्योंकि जितने भी घटनाएं हैं आप देखेंगे कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप, मोहब्बत, रिलेशनशिप, ये चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो इसीलिए आज आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बचें। ऐसी जब घटनाएं होती है ना, तो मुझे खुद में एक बड़ा ही शेम फील होता है, शर्म आती है कि यार वो लोग कैसे मर्द की शक्ल में पैदा हो गए, वो लोग कैसे इंसान की शक्ल में पैदा हो गए, उन्हें नहीं आना चाहिए था, उन्हें इंसान नहीं बनना चाहिए था। क्योंकि एक जानवर, एक कोई जंगली जानवर वो किसी इंसान को मारता है तो समझ में आता है कि वो जानवर है, उसके पास दिमाग नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, वो एक जानवर है। लेकिन इंसान हो के भी इससे भी घटिया, इससे भी खराब काम कर देना, ये बड़ी शर्म की बात है यार। तो अब मैं इस खबर में क्या ही बताऊँ, मुझे आई एम रियली सॉरी, मैं इस खबर को देख रहा था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं सोचा कि आपसे बात करूँ, ये चीज़ें शेयर करूँ आपसे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये बहुत ही खास रिक्वेस्ट है खासतौर पे लड़कियों के लिए, प्लीज़ यार उस हीरो का इंतज़ार नहीं करना, यू आर द हीरो, आप ही बहादुर हो,
आपको ही रानी लक्ष्मीबाई बनना है, आपको ही दुर्गा बनना है, आपको ही अपनी रक्षा करना है, कोई हीरो नहीं आने वाला है। तो कभी किसी को इतना मौका मत दो कि वो आपके साथ कुछ करे, वो आपके साथ गलत करे और आप बर्दाश्त करें। नहीं करना बर्दाश्त, कभी नहीं करना बर्दाश्त। अपनी रक्षा ज़रूर करना, माँ बाप के साथ जुड़े रहना, माँ बाप से हर चीज़ शेयर करो, उनसे बताओ, अगर कोई गलती भी है तो उनसे शेयर करो, वो यकीनन आपका भला चाहते हैं। पर आजकल के माँ बाप से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के साथ रहें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें जानने की कोशिश करें, उन्हें समझने की कोशिश करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें और उनकी उनकी हिफाजत करें। और यार ऐसे फालतू लोगों से बच करें। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। आई एम सो सॉरी, मैं बस ऐसे खबर देख रहा था तो मैं चाह के अब तक बता दूँ, मुझे माफ़ करना। बाकी अपना ख्याल रखना आप सब। जय हिंद, जय भारत।